subscribe this channel. Hello guys and welcome to another blog. नानी घर का दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और वापस निकलने वाले हैं। हम लोग कोलकाता के लिए 2 दिन का टूर है। वैसे 2 दिन में पूरा कोलकाता कवर नहीं हो पाएगा, घूम नहीं पाएंगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग 2 दिन में कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो बने रहें इस ब्लॉग में और मैं आपको दिखाऊँगा कोलकाता के उन जगहों को जहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल्स में, रिफ्रेश हो रहे हैं, फिर वापस निकलेंगे अभी घूमने के लिए। फ्रेश हो रही है और देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। ऑलरेडी 1 बज चुका है। ओके, सोच रहे हैं फिलहाल इंडियन म्यूजियम और बिरला प्लेनेटेरियम और जू को कवर करें। लेट्स सी हो पाता है या नहीं, देखते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं इंडियन म्यूजियम के लिए। बगल में ही है, इसी के बगल में हम लोग रेंट लिए हैं और देखते हैं। और मैं खड़ा हूँ इंडियन म्यूजियम के टिकट काउंटर पे। आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ एडल्ट के लिए है, माइनर के लिए 20 रुपीज़ है और फॉरनर्स के लिए 500 रुपीज़ है। इसके अलावा आप इंडियन म्यूजियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और ये है मध्य प्रदेश के सतना जिले का भरहुत का किला का कुछ अवशेष। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पिलर्स और दीवारें हैं जिनमें अभूतपूर्व नक्काशियाँ की गई हैं। इस अवशेष की खास बात यह है कि हर एक दीवार पे नक्काशियाँ हैं और बिल्कुल समान पिलर के समान ही यहाँ पे नक्काशियाँ किया गया है। ये खास बात है इसकी। और इस सेक्शन का नाम है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, जहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पाए गए अवशेष को रखा गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, शिलालेख और अभिलेख है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत की इस भूमि में कई महान साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें गुप्त वंश थे, चोल वंश थे और कई सारे वंश थे। और उन तमाम राजवंशों में और साम्राज्यों में जो भी महत्वपूर्ण हमारे पुरातत्विक विभाग को मिला है अवशेष, वो सारे यहाँ प्रदर्शनी के रूप में लगाए गए हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये पार्ट इंडियन म्यूज़ियम का बीच का हिस्सा है जो ओपन है बिल्कुल यार्ड जैसा। आप देख सकते हैं यहाँ लोग बैठते हैं और रेस्ट करते हैं और फिर घूमते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। कंटिन्यू अगर आप घूमते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम है घूमने में, थक जाते हैं लोग, तो यहाँ रेस्ट करते हैं। ये जगह परफेक्टली फाइन है चिलिंग के लिए, रिलैक्सिंग के लिए।
और ये सेक्शन है बर्ड्स गैलरी, जहां दुनिया के कई पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों को आप यहां देख सकते हैं। वैसे प्रजाति भी आपको यहां देखने को मिलेंगे जो विलुप्त हो चुका है या फिर जो विलुप्त के कगार में है। और ये है मरीन लाइफ गैलरी, जिसमें दुनिया के सभी जलीय जीवों के किस्म आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो पिरान्हा हो या फिर नॉर्मल रेहू। और ये है महाराणा प्रताप का तलवार और ढाल, आप देख सकते हैं। ये है मैमल्स गैलरी, जहां सभी प्रकार के स्तनधारियों को आप देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। हम लोग इंडियन म्यूजियम से निकल चुके हैं और अभी मेट्रो पकड़ के बिड़ला प्लैटिनियम जाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, जो कोलकाता के मेट्रो को पूरे इंडिया में यूनिक बनाता है।
फाइनली हम लोग बिरला प्लानिटेरियम पहुंच चुके हैं। मैं बता दूं यहां के टिकट का रेट है 120 पर हेड और यहां के शो 40 मिनट्स का होता है जो तीन लैंग्वेजेस में चलता है, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। यहां कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और फिर पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, इस पर ही पूरा शो आधारित है। और कुछ ऐसा नज़ारा होता है अंदर का, आप देख सकते हैं ऊपर जितने भी वाइट पर्सन दिख रहे हैं ये है पूरा ऊपर का हिस्सा, यानी स्क्रीन जिस पे आपको पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में जानकारी दी जाती है, और बीच का वो मशीन एक प्रोजेक्टर का काम करता है पूरे शो में। नए रूप में सुसज्जित कोलकाता के एमपी बिरला तारामंडल में आपका स्वागत है। सभ्यता के प्रारंभ से और शो खत्म हो चुका है, सभी कोई प्रस्थान करते हुए हम लोग भी निकल रहे हैं। फिलहाल हम लोग खड़े हैं विक्टोरिया मेमोरियल में, काम हो चुकी है, क्लोज हो गया गेट, अभी नहीं घुसेंगे, मज़ा नहीं आएगा, तो टुमारो मॉर्निंग हम लोग आएंगे। और ये है न्यू मार्केट का एरिया जहाँ लगभग आपको गारमेंट्स और बाकी शॉपिंग्स के सारे सामान अवेलेबल है, आप यहाँ आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। और ये है कोलकाता में हाथ से खींचा जाने वाला हैंड रिक्शा जो अपने आप में यूनिक है, हम लोग इसका अनुभव करने वाले हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक ठाक है, शुरुआत में थोड़ी डर लगी बट नाउ वी आर कंफर्टेबल। तो हम लोग ऑन द वे हैं अपने रूम के और वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सी यू सून विद अनदर न्यू ब्लॉग। टेक केयर।